डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल पढ़ रहे थे जिसमें सेकंड चढ़ता था एथेनॉल। तो एथेनॉल में नेक्स्ट पॉइंट है एथेनॉल के गुण। ठीक, एथेनॉल के गुण, एथेनॉल के गुण देखो, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। यह रंगहीन ज्वलनशील, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। ठीक, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। यह जल में विलय होता है। नंबर दो, यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है और यह जल में विलय होता है। इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 351.2 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 351.2 केल्विन होता है। ठीक, नंबर चार, इसमें रुचिकर गंध आती है। इसमें रुचिकर गंध आती है। ठीक, अब देखो, अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। तो देखो कुछ परिभाषाएं अब इसमें देखो, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल देखो 100% शुद्ध एथेनॉल को ही परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। ठीक, 100% शुद्ध एथेनॉल, 100% शुद्ध एथेनॉल को ही परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। ठीक, अगली परिभाषा है परिशोधित एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल। देखो 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% जल का मिश्रण जो 351.2 केल्विन ताप पर आश्रित होता है परिशोधित एल्कोहल कहलाता है। तो देखो 95.5% एथेनॉल, 95.5% एथेनॉल व 4.5% जल का मिश्रण, जल का मिश्रण जो 351.2 केल्विन ताप पर आश्रित होता है, आश्रित होता है परिशोधित एल्कोहल कहलाता है, परिशोधित एल्कोहल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें पावर एल्कोहल,
पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल पावर एल्कोहल ठीक पावर पावर ठीक। देखो पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एथेनॉल को मिलाकर वाहनों में शक्ति के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से मिलाए गए एथेनॉल को ही पावर एल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो पेट्रोल में बेंजीन, पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एथेनॉल को मिलाकर है ना, पेट्रोल में बेंजीन तथा ईथर के साथ एथेनॉल को मिलाकर वाहनों में शक्ति के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से प्रयुक्त एथेनॉल को ही इस प्रकार से प्रयुक्त एथेनॉल को ही पावर एल्कोहल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट विकृतीकृत एल्कोहल, डिनेचुरेटेड एल्कोहल विकृतीकृत। ठीक, देखो परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए उसमें पिरिडीन या रंजक मिला देते हैं और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एल्कोहल का विकृतीकरण। ठीक, तो परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए ठीक, परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए उसमें पिरिडीन या रंजन मिला देते हैं, इस प्रक्रिया को ही एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्योंकि पीने के अयोग्य करने के लिए उसमें पिरिडीन मिला देते हैं, रंजन मिला देते हैं, है ना, और इसके साथ में इसमें मेथेनॉल और मिलाया जाता है। पीने के अयोग्य करने के लिए पिरिडीन या रंजन, ठीक, इसके साथ में इसमें मेथेनॉल भी मिलाया जाता है, ठीक, तो परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए उसमें मेथेनॉल प्लस पिरिडीन या रंजन मिला देते हैं। ठीक, तो देखो
मेथेनॉल तो खतरा दर्शाता है, मेथेनॉल, क्योंकि आपको पता है इसके अधिक मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पिरिडीन ये क्षारीय होता है ना, दुर्गंध उत्पन्न कर देगा। या जैसे रंजक मिलाए तो रंजक क्या होते हैं, भी पदार्थ रंग उत्पन्न करते हैं, ये कलर चेंज कर देगा, कलर दे देगा। ठीक, तो परिशोधित एल्कोहल को पीने के अयोग्य करने के लिए उसमें मेथेनॉल प्लस पिरिडीन या रंजक मिला देते हैं। तो मेथेनॉल तो खतरा दर्शाता है क्योंकि अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पिरिडीन आपको पता है दुर्गंध उत्पन्न कर देगा और रंजक कलर देता है। रंजक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रंग उत्पन्न करते हैं, रंजक कहलाते हैं। ठीक, तो जिससे व्यक्ति उसको पिए नहीं, इसलिए एल्कोहल का विकृतीकरण किया जाता है, जिसे विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल के उपयोग ठीक किस किस में, कार्बनिक यौगिक जैसे एस्टर है, क्लोरोफॉर्म है आदि के संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म व एस्टर के संश्लेषण में, ठीक। और देखो नंबर टू, औषधि जैसे आयोडीन का टिंचर बनाने में, आयोडीन का टिंचर बनाने में वैसे आयोडीन का टिंचर क्या होता है, वैसे आगे आएगा। आयोडीन का एल्कोहल प्लस जल में 2-3% मिश्रण ही आयोडीन का टिंचर कहलाता है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक, पेंट वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में, पेंट वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में, ठीक। और पेय पदार्थ के रूप में, क्योंकि पीने योग्य वाइन होती है एथेनॉल, पेय पदार्थ के रूप में, ठीक। और जैसे इत्र वगैरह है ना, सुगंधित पदार्थ है, ठीक, आदि के संश्लेषण में, सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र है, पारदर्शी साबुन आदि के संश्लेषण में, ठीक। तो सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र है तथा पारदर्शी साबुन आदि के संश्लेषण में, डेक्रोन बहुलक के संश्लेषण में,
बहुलक के संश्लेषण में और स्नेहक के रूप में स्नेहक लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में ठीक और एथिल ग्लाइकोल का उपयोग स्नेहक के रूप में तेल या डेकोन बहुलक के संश्लेषण में ठीक इसी प्रकार से इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में परिरक्षक के रूप में यानी भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में ठीक नेक्स्ट इसमें क्या ग्लिसरॉल ठीक ग्लिसरॉल का सूत्र आया था पहले ग्लिसरॉल के उपयोग औषधियों जैसे बोरोग्लिसरीन बनाने में औषधियों जैसे बोरोग्लिसरीन बनाने में आर्द्रता ग्राही गुण के कारण इसका उपयोग शेविंग सोप है ना क्रीम टूथपेस्ट लिपस्टिक आदि बनाने में आर्द्रता ग्राही गुण के कारण इसका उपयोग सेविंग सोप सेविंग साबुन टूथपेस्ट क्रीम ठीक लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं लिपस्टिक आदि बनाने में और देखो ग्लिसरॉल का उपयोग किसमें किया जाता है स्नेहक के रूप में ठीक और कार रेडिएटरों में प्रतिहीन के रूप में एंटीफ्रीज कार रेडिएटरों में प्रतिहीन के रूप में एंटीफ्रीज प्रतिहीन के रूप में ठीक और इसी के साथ एल्कोहल कंप्लीट और इसमें नेक्स्ट नया टॉपिक चलेगा फिनोल देखो इस चैप्टर को तीन भागों में डिवाइड किया था एल्कोहल फिनोल ईथर तो एल्कोहल कंप्लीट हो गया अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे फिनोल तो देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है फिनोल कहलाते हैं इन्हें कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं इनको सर्वप्रथम कोलतार से प्राप्त किया गया था ठीक तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है फिनोल कहलाते हैं फिनोल कहलाते हैं
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है फिनोल कहलाते हैं। ठीक, इन्हें कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, एग्जांपल देखो, ये बेंजीन वाला है। ठीक, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH सीधे ही एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहता है, यहां से OH, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। ये फिनोल है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है फिनोल कहलाते हैं। ठीक, अब देखो इनका नामकरण। देखो इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नामकरण, ठीक, सामान्य नाम और आईपीसी नाम। यहां पर अपने लेंगे सीरियल नंबर, यहां पर क्या ले लें, एग्जांपल्स, यहां पर सिंपल नेम। तो फिर आपको पता है यहां पर क्या, आईपीसी नेम। ठीक, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है ये बेंजीन रिंग, जैसे यहां पर क्या जुड़ा है, OH, तो इसका सिंपल नेम फिनोल। आईपीसी नेम भी क्या है, फिनोल। ठीक, नंबर टू देखो, ये बेंजीन रिंग पर OH, यहां पर CH3 जोड़ते हैं। आपको पता है ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल। आईपीसी ने मुख्य क्रियात्मक समूह यह है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-methylphenol, 2-methyl, 2-methylphenol, 2-methylphenol। ठीक, नंबर थर्ड देखो, OH यहां पर सी एस थ्री। ठीक है, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, आईपीसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3-methylphenol, 3-methylphenol। नंबर फोर्थ, OH CH3। ठीक, पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल, पैरा पोजिशन पर है, तो 1, 2, 3, 4 मेथिलफिनोल, 4 मेथिलफिनोल। ठीक, नंबर फिफ्थ, देखो नंबर फिफ्थ है OH, OH और दो पोजिशन पर। ठीक, कैटेकोल, कैटेकोल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेंजीन, 1,2-diol बेंजीन, 1,2-diol। ठीक, नंबर सिक्स
4, 5, 6 रिसोर्सिंग और रिसोर्सिनोल, बेंजीन 1,3-diol, बेंजीन 1,3-diol, बेंजीन 1,3-diol। नंबर 7 ठीक क्विनोल, बेंजीन 1,4-diol, बेंजीन 1,4-diol, ठीक है। अब फिनोल बनाने की विधियां, बनाने की विधियां फर्स्ट कौन सी? प्रयोगशाला विधि नंबर 1, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि ठीक। इसमें भी फर्स्ट है ए, बेंजीन डाइजोनियम लवणों से बेंजीन डाई एजोनियम लवणों से ठीक। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ करा दो, C6H5N डबल बॉन्ड में NCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको गर्म कर दो HOH ठीक। अब आपको पता है H प्लस यहां से Cl माइनस, ऐसे क्या बात निकल जाएगा HCl, और ये N2 यहां से OH यहां से जाएगी, तो C6H5OH, तो ये तो क्या बन गया फिनोल प्लस N2 और प्लस HCl ठीक। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनोल बनता है ठीक। तो बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनोल बनता है ठीक। दूसरी इसमें क्लोरोबेंजीन से, दूसरी क्लोरोबेंजीन से बी क्लोरोबेंजीन से, यह भी क्रिया दसवें पाठ में भी आ चुकी। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इसकी क्रिया जलीय NaOH के साथ करा दो, एक वर्ष जलीय NaOH 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब, 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब। अब आपको पता है Na प्लस यहां से Cl माइनस, ऐसे क्या बाहर निकल जाएगा NaCl, Na प्लस होता है OH माइनस, ये OH यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये बेंजीन वाला है, यहां पर क्या आ गया OH और प्लस Na प्लस यहां से Cl माइनस यहां से NaCl, और ये क्या बन गया फिनोल, फिनोल ठीक। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ
क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH के साथ 623 केल्विन ताप व 300 वायुमंडलीय दाब पर कराने से फिनोल बनता है। फिनोल बनता है, ठीक, ओके।